हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेंटन की सीरीज में बेन के पास हमें काफी सारे डिफरेंट एलियन देखने को मिले थे जिनके पास डिफरेंट पावर होती थी, लेकिन इतने सारे एलियंस में से टॉप 10 ऐसे एलियन थे बेंटन के जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले ही वीडियो में बात की है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि बेंटन के टॉप 10 एलियन जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो ये लिस्ट है वो हमेशा चेंज होती रहती है और ये एक बार फिर से चेंज हो चुकी है, और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले बेंटन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन के बारे में जो कि इस लिस्ट में न्यू ऐड किए गए हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि बेंटन की टॉप 10 एलियंस की लिस्ट में कौन सा एलियन न्यू इंक्लूड हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे जो एलियन है, पहले वो इस लिस्ट के आसपास भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे नंबर 10 पे हमारे पास रैथ है। रैथ बेंटन का एक ऐसा एलियन है जिसकी फर्स्ट अपेयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी और ओमनीट्रिक्स ने इस एलियन को खुद से अनलॉक किया था एक ग्लिच की वजह से। अगर इस एलियन की पावर एबिलिटीज की बात करें तो गाइस, इसको मिक्स मार्शल आर्ट आते हैं। इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है और बैटल के दौरान गाइस ये कभी भी हार नहीं मानता। इसकी मेन पावर की बात करें तो गाइस, इसके पास अपने क्लोज है जिनका यूज करके ये चाहे तो इजिली किसी भी चट्टान या किसी भी मेटल के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसे चीर सकता है, क्योंकि रेत के क्लोज काफी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ तक कि गाइस, अपने ओपोनेंट्स पे अगर उससे अटैक करे तो जो इसका ओपोनेंट है उसकी जान तक जा सकती है। नंबर 9 पे हमारे पास यहाँ पे बिग चिल, जिसकी फर्स्ट अपेयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। अब आप लोग को एक और बात बता देता हूँ कि बिग चिल इस लिस्ट में पहले किसी और नंबर की पोजिशन पे था, लेकिन अब ये नंबर 9 पे आ चुका है। अगर इसकी पावर एबिलिटीज की बात कर ली जाए तो बिग चिल के पास फ्लाई करने की पावर है, ये आइस अटैक कर सकता है, अपनी बॉडी को इंटेंजिबल कर सकता है, और इसकी अगर इंटेंजिबल बॉडी को कोई छूने की कोशिश करता है उस टाइम पे गाइस, इसका जो ओपोनेंट है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और हमें बेंटन की सीरीज में देखने को मिला है कि बिग चिल जो है वो स्पेस में सरवाइव कर सकता है और अपनी पूरी बॉडी को इनविजिबल भी कर सकता है। और हमें देखने को मिला है कि इसकी बॉडी को फायर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गाइस, ये फायर को तो मुंह में खा जाता है। नंबर 8 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे गोस्ट फ्रीक, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक में ही देखने को मिल गई थी। पहले गोस्ट फ्रीक इस लिस्ट के आसपास भी नहीं था, लेकिन अब इस लिस्ट में आ चुका है। गोस्ट फ्रीक की पावर एबिलिटीज की बात करें तो गोस्ट फ्रीक के पास भूतिया पावर है जिनका यूज करके अपने ओपोनेंट्स को इजीली डरा देता है, क्योंकि गाइस, गोस्ट फ्रीक अपनी बॉडी को इंटेंजिबल कर सकता है जिस वजह से इसका जो ओपोनेंट है वो इसको छू नहीं पाता, और चाहे तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से इनविजिबल भी कर सकता है ताकि इसका जो ओपोनेंट है इसको देख भी ना पाए। और हमें बेंटन की सीरीज में काफी बार दिखाया गया है कि बेंटन का ये जो गोस्ट फ्रीक है वो किसी की भी बॉडी को इजीली कंट्रोल करके उसे डिफीट कर सकता है। और गोस्ट फ्रीक को लेके एक फैक्ट काफी ज्यादा फेमस है कि गोस्ट फ्रीक बेंटन का इकलौता ऐसा एलियन है जो कि बेंटन क्लासिक में बेन की ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल गया था, बेन की ओमनीट्रिक्स से, क्योंकि गाइस, जेडस्केयर नाम का एक एलियन ओमनीट्रिक्स में पहले से कैद था जिसमें बेंटन ट्रांसफॉर्म होता रहता था। नंबर 7 पे हमारे पास यहाँ पे एको एको, इसकी फर्स्ट अपेयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि एको एको पहले इस लिस्ट के आसपास भी नहीं था और अब ये नंबर 7 पे आ चुका है। अगर इसकी पावर एबिलिटीज की बात कर ली जाए तो इसके पास डुप्लीकेट क्रिएट करने की पावर है और ये अपने सुपर सोनिक साउंड का यूज करके इजिली अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर सकता है। और ये बेंटन की सीरीज में हमें काफी बार देखने को मिला है कि एको एको के सामने ज्यादातर ओपोनेंट टिक ही नहीं पाते क्योंकि एको एको अपने काफी सारे क्लोन्स क्रिएट कर लेता है और ये अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास यहाँ पे फीडबैक, जिसकी फर्स्ट अपेयरेंस हमें बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिली थी। अगर इसकी पावर एबिलिटीज की बात कर ली जाए तो फीडबैक जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उस एनर्जी को अपने ओपोनेंट्स पे अटैक के तौर पर रिलीज भी कर सकता है। और बेंटन की सीरीज में हमें देखने को मिला है कि फीडबैक के पास फ्लाई करने की भी पावर है और ये बेंटन का इकलौता ऐसा एलियन है जिसने बेंटन ओमनीवर्स के एंड में बिग बैंग तक को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि काफी पावरफुल एनर्जी थी, और उसके बाद उस एनर्जी को उसने मेल्टोरेंट पे अटैक के तौर पे रिलीज भी किया था। नंबर 5 पे हमारे पास यहाँ पे ग्रैव अटैक, ये बेंटन का एक काफी स्ट्रॉन्ग एलियन है। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिली थी। अगर इसकी पावर्स की बात कर ली जाए तो इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल काफी ज्यादा है और इसकी पूरी बॉडी एक प्लेनेट के जैसी है और इसके पास खुद का ऑर्बिट है। इसके पास ग्रेविटिक पावर है जिनका यूज करके ये अपने ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर सकता है। और बेंटन की सीरीज में हमें इसकी एक सीक्रेट पावर भी देखने को मिली थी कि ग्रेविटेक के पास ब्लैक होल क्रिएट करने की पावर है जिसकी मदद से अगर ये चाहे तो पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 4 पे हमारे पास यहाँ पे वेविक, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक के एंड में देखने
को मिली थी। अगर इसकी पावर एबिलिटीज की बात कर ली जाए तो इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा और ये बेंटन का अब तक का सबसे जायंट एलियन है, जिस वजह से इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना काफी ज्यादा है। और हमें बेंटन की सीरीज में इसके पास कॉस्मिक पावर भी देखने को मिली है, जिनका यूज करके अगर बेबिक चाहे तो अपने एक अटैक से पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे अटोमिक्स, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन ओमनिवर्स में देखने को मिली थी। ये एलियन बेंटन का एक ऐसा एलियन है जो कि इस लिस्ट में पहले नंबर 2 की पोजीशन पे था और अब ये नंबर 3 पे आ चुका है। अगर बात कर ली जाए इसकी पावर एबिलिटीज के बारे में तो गाइस ये फ्लाई कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, इसके स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है। और अगर इसकी मेन पावर की बात करें तो गाइस ये सन क्रिएट कर सकता है और इसके पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है, जिसका यूज करके चाहे तो एक अटैक से पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवर्क, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिली थी। आपको बता दूं कि पहले क्लॉकवर्क नंबर 3 की पोजीशन पे था, अब वहाँ पे अटोमिक्स आ चुका है और अटोमिक्स की पोजीशन पे क्लॉकवर्क आ चुका है। अब क्लॉकवर्क की जो पावर्स है उनके बारे में बात करें तो क्लॉकवर्क जो है टाइम कंट्रोल कर सकता है, बेंटन इसका यूज करके पास्ट में या फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है। और हमें बेंटन की सीरीज में देखने को मिला है कि अगर क्लॉकवर्क अपनी टाइम रे का यूज करे तो किसी भी ओपोनेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो रियलिटी से इरेज तक कर सकता है। और ये बेंटन का एक ऐसा एलियन है जो अगर चाहे तो अपनी पावर्स का यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। नंबर 1 की तो बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एलिनेक्स ही रहेगा, क्योंकि गाइस एलिनेक्स बेंटन का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है। तो ये थे बेंटन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन, जिनके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हमने बात की। मैं चाहता था कि यहाँ पे NRG भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन गाइस इस लिस्ट में NRG को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये बेंटन के स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन की ऑफिशियल लिस्ट है और अपनी मर्जी से हम किसी भी एलियन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।